तो सीएम योगी की शक से साधना लेकर चलते गोरखपुर, आपको जो आपको बता दे कन्या पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी हर साल आपको बता दे रामनवमी के मौके पर कन्याओं का पूजन करते हैं। और ये देखिए कन्या पूजन, तिलक लगा रहे हैं बच्चियों को और उनको उपहार दे रहे हैं। ये देखिए तो सीएम योगी की शक्ति साधना हम आपको दिखा रहे हैं। महानवमी के मौके पर आपको बता दें तस्वीरें आप देख सकते हैं महानवमी के मौके पर सीएम योगी की शिव साधना, शक्ति साधना। हालांकि सीएम योगी कहीं भी जाते हैं तो बच्चों से दुलार रखते हैं और वो दुलार की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। तो बच्चों को तिलक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और उनको उपहार भी दे रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि आज महानवमी है और शारदीय नवरात्र खत्म हो गए, आखिरी दिन है। कलाष्टमी के दिन आपको बता दें कि उन्होंने हवन किया था, यज्ञ किया था और आज गोरखपुर में आज वो देखिए बच्चियों की पूजा कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखिए बच्चियों को पहले से ही दुलार करते रहे हैं और अब ये तस्वीरें देखिए पैरों को धोते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए तिलक लगाते हुए बच्चियों को, उनको उपहार की देते हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं जब भी नवमी आती है सीएम योगी इसी तरह बच्चियों को दुलार करते हैं, चाहे महानवमी की बात करें या फिर रामनवमी की बात करें। तस्वीरें गोरखपुर की हैं, कल सीएम योगी ने आपको बता दें हवन किया था अष्टमी के मौके पर और आज कन्याओं को भोजन खिलाया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है। और देखिए हिंदू रीति रिवाज में जब नवरात्र खत्म होते हैं कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं और अपना उपवास खोलते हैं। तो बच्चियों का तिलक, उनको उपहार भेंट करते हुए हिंदू धर्म मानते हैं कि जब आप नवमी करते हैं या अष्टमी मनाते हैं तो कंजक खिलाते हैं, इसमें कन्याएं होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उनको भोजन खिलाया जाता है, उनको उपहार भेंट किए जाते हैं। और देखिए पैर धोते हुए खुद मुख्यमंत्री, इन बच्चों के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि एक प्रदेश, एक सबसे बड़े देश के सूबे के, अगर यूपी की बात करें तो एक बड़ा स्टेट और उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो बच्चों को, और ये अब से नहीं बल्कि ये परंपरा वो बरसों से निभाते आ रहे हैं। जब वो सांसद हुआ करते थे तब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते थे, मुख्यमंत्री बने बावजूद उसके वो आज भी इस कार्यक्रम को चलाते हैं इसी तरीके से, पूरे रीति रिवाज बच्चों को पार भेंट करते हुए। ये देखिए बच्चों के पैर धोते हुए, ये खास बात है
ये बनाती है मुख्यमंत्री योगी को बाकी लोगों से अलग। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से सीधी तस्वीरें। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। आशीष, सीएम योगी जब भी नवमी होती है, चाहे वो राम नवमी हो या महानवमी हो, तो हमेशा इस तरह बच्चियों को दुलार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज वही तस्वीरें फिर नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए इस समय सीएम योगी ने गोरखनाथ के पीठाधीश्वर और महंत योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को लेकर बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चियों के जो माँ दुर्गा के रूप है उनका पैर पकार रहे हैं, उन्हें कुमकुम लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे, अंग वस्त्र दे रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण के साथ आज नौकरियों का देखे किस तरह से पाव पखारा जा रहा है, किस तरह से पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो आपके सामने सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से छुट्टी उड़ाई जा रही है। तो ये माता के रूप जो कन्याएं हैं उनका देखिए पैर पखारा जा रहा है। ये ये भैरव बाबा आ गए, आप देख रहे हैं उनका पैर पखारा जा रहा है। तो ये कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है बखूबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो सत्ता में बैठते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं। तो वही जो कि आज गोरखनाथ मंदिर में मठाधीश यानी कि पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, सामने आपके लाइव तस्वीरें जा रही हैं। देखिए किस तरह से ये भैरव बाबा को भगवान गमछा को उठाया जा रहा है, गिफ्ट वितरण किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के देखिए जा रहे हैं। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ से उठ के एक एक कन्याओं के पास पांव पखारने के लिए उठ रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कन्याओं का पांव पखारेंगे। जितने बच्चे और बैठे हुए हैं, नौ कन्याओं के बाद जो जो लोग बैठे हुए हैं उनके एक एक लोगों के पास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, एक एक लोगों के कुमकुम टीका लगाएंगे, सबको चुनरी और साथ में जो है एक अगर ज्यादातर अमूमन देखा जाता है जो घर में आम लोग कन्या पूजन करते हैं वो नौ कंजक जिमाते हैं, नौ बच्चियों की पूजा करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो क्या यहाँ पर नौ संख्या रहती है या और ज्यादा बच्चियों को बुलाया जाता है इस मौके पर? नहीं बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए नौ लोगों का विधि विधान के साथ देखिए वो पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम योगी इस समय घंट बजाते हुए जितनी भी कन्याएं यहाँ पे बैठी है, करीब यहाँ पे 50 कन्याएं बैठी है, सभी लोग का देखिए आरती उतारते हुए आपको नजर आ रहे हैं जी। और सभी लोग को देखिए पीछे सतुआ बाबा है, सभी लोग बच्चों को जो है चुंदरी उड़ाया जा रहा है, उन्हें पैसे दिया जा रहा है। तो ये कारण नाथ संप्रदाय की परंपरा काफी पुरानी है। अभी आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक एक बच्चों के पास जा रहे हैं, उन्हें चुंदरी उड़ाया जा रहा है, उन्हें पैसे दिया जा रहा है, उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बखूबी इस समय आपको देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय आगे देखिए जितनी बच्चियां बैठी है यहाँ पे फूल पुष्प से उनके ऊपर वर्षा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ में सतुआ बाबा देखिए सभी लोग को पैसे वितरित कर रहे हैं और चुंदरी उड़ाई जा रही है। विधि विधान का जो विधि विधान से जो प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे नाथ संप्रदाय का जो भी पीठाधीश्वर गोरखनाथ से आज तक रहा है वो इस परंपरा को निभाते चला है। बखूबी देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ के पीठाधीश्वर सीएम योगी हमारे पास आए हैं और यहाँ पे बच्चियों को एक एक बच्चों को देखे सबके सरों पे जो है फूल माला चढ़ा हुआ है और सबके गले में जो है चुंदरी उड़ाई जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे आप ये दृश्य देख रहे हैं ये पूरे प्रदेश पूरे देश में एक ये मैसेज आ रहा है, जब ये शासन करते हैं तो देखिए अपराधियों के लिए जो बन जाते हैं। आप देखिए सामने आज पीठाधीश्वर किस तरह से आपको गोरखनाथ पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और देखिए एक एक बच्चियों को आरती उतार रहे हैं, ठंडी में जा रहे हैं और साथ साथ जितने भी यहाँ पे महंत जितने भी बाबा सभी लोग देखिए किस तरह से कुमकुम हल्दी टीका हर एक चीज लगाते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक बच्ची के पास जो है आते हैं और साथ में सभी लोगों का जो कहते हैं
किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पकड़ रहे हैं और इस तरह से नाथ संप्रदाय की परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दिखाया जा रहा है ये पीठाधीश्वर गोरक्षनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे जितनी बच्चे जितनी कन्याएं यहाँ पे आती हैं सभी लोग अफवाह पकड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, नाथ संप्रदाय की परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। और अभी इन बच्चों को प्रसाद जो भी हलवा पूरी उनसे भोग लगाए जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय की परंपरा बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो गोरखनाथ पीठ के जितने भी यहाँ पे साधु संत महात्मा और प्रदेश के कोने कोने साधु संत महात्मा आते हैं ये कन्या पूजन देखने के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि एक एक बच्चों को इंतजार रहता है, आज के दिन की कन्याओं को इंतजार रहता है कि प्रदेश के मुख्य और गोरखनाथ पीठाधीश्वर इस दिन हमारा पांव पकारेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो बखूबी आप देख रहे हैं पूरा दृश्य आपको सामने दिख रहा होगा किस तरह से यहाँ पे पांव पकड़ा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल चप्पे चप्पे पे रह रहा है और इस बार बहुत ही लिमिटेड मीडिया को भी एंट्री दी गई है। ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है और बाकी कन्याओं का जो विधि विधान पर पूजा अर्चना किया जाता था वो बखूबी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रसाद वितरण से लेकर एक एक चीज यहाँ पे किया जा रहा है और पीठाधीश्वर आशीष अब ये देखा हमने तस्वीरों में, हम देख रहे हैं पूजा की उनकी बकायदा आरती उतार रहे हैं बच्चों के सीएम योगी कन्याओं की, पीछे सतुआ बाबा उनको दक्षिणा दे रहे हैं जिसे दक्षिणा कहा जाता है, पैसे दे रहे हैं बच्चों को। और एक सबसे बड़ी बात है अब ये इसके बाद क्या उनको भोजन खिलाया जाएगा, अब क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूजा देखिए सभी लोगों का पूजा हो गया, सभी लोगों के सामने पत्थर रख दिया गया है सभी बच्चों के सामने और इन्हें अब जो प्रसाद है यानी कि आज नौमी खत्म हो रही है, जो प्रसाद है दही चूड़ा पूड़ी सब्जी हलवा ये सब चीजें बच्चों को वितरित किया जा रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको एक चीज और बता दूं कि जितने यहाँ पे बच्चे बैठते हैं सभी लोगों के पास एक एक करके प्रदेश के मुखिया जाते हैं और सभी लोगों को प्रसाद वितरित करवाते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप तस्वीरें सीधी देख रहे होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बच्चों को जो है प्रसाद उनके पत्तल में पूरी रखते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये शासन सत्ता में बैठते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जाते हैं, लेकिन आज का ये दृश्य आप देख रहे हैं पूरे देश में एक वो जा रहा है। तो देखिये पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहा है किस तरह से बच्चियों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप देखिए सतुआ बाबा पकड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी एक एक बच्चों को जो है पूरी चला रहे हैं, पीछे सब्जी चल रही है हलवा पूरी एक एक चीज प्रसाद बच्चों को वितरित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही गोरखनाथ पीठ का जो नाथ संप्रदाय का परंपरा सदियों से चला रहा है उसके बखूबी उसे निभाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए एक एक बच्चों के पास जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए एक एक बच्चों के पास जाएंगे, उन्हें खुद अपने हाथों से प्रसाद खिलाते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं सामने लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दृश्य आप देखिए पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का है और देखिए एक एक बच्चों के पास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और एक एक बच्चों को प्रसाद हो रहा है। आप देख सकते हैं जी एक एक बच्चों को प्रसाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो आप देखिए गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी बच्चों के पास जा रहे हैं। लेकिन आशीष खास बात यह है कि जब हम घर में भी बच्चों को कुछ खाना परोसते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप खा लोगे ना इतना रख दे, सीएम योगी भी बच्चों से बकायदा पूछ रहे हैं कि बेटा आप खा लोगे ना इतना। देखिए बाल प्रेम जो सीएम योगी का देखने को मिलता है आज भी आप देख सकते हैं कि एक एक बच्चों को पूछ पूछ के दे रहे हैं, उनके साथ तस्वीर है, तो इस तरह से बाल प्रेम ये देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं एक एक बच्चों के पास, यहाँ पे 50 बच्चे हैं चाहे 100 बच्चों हैं, एक एक बच्चों के पास सीएम योगी जा रहे हैं उन्हें प्रसाद वितरित कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ एक एक बच्चे के पास जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो नाथ संप्रदाय की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है उसे बखूबी निभाते हुए प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ की नजर आपको आ रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से, तो ये आप देख रहे हैं कि एक एक बच्चों के पास जाके एक एक बच्चों का देखिए खड़ा होकर पूरा जैसे होता ना पीठाधीश्वर वो पीठाधीश्वर रूप में नजर आ रहा है, किस तरह से किसी बच्चों को यह सुलझा ना हो देखिए एक एक बच्चों से पूछते हुए आपको नजर आ रहा है। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं एक एक बच्चों से शुरू करो खाना, अब खाना शुरू करो। आप देखिए सीधे पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जैसे ही बोला सभी माँ दुर्गा का रूप जितनी भी बच्चियां हैं देखिए सभी लोग प्रसाद ग्रहण करना चालू कर दी है। तो ये कहा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय की परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं, एक एक लोग के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं उन्हें प्रसाद दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो दृश्य देखने को मिल रहा है आप सामने देख रहे हैं
इसलिए कि बच्चों के पास जाके उनका हालचाल ले रहे हैं, उन्हें प्रसाद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक अनोखा, बहुत ही अनोखी चीज आपको नजर आ रही होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए यहाँ से निकल गए बच्चों को भोजन करके, अब नीचे जितने बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं उनके पास। देखिए आशीष, आशीष जो ये तस्वीर है, अब अगर हम एक सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरीके से देखते, वाकई में एक अलग छवि है सीएम योगी की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक अलग छवि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। और आप देखिए बखूबी किस तरह से पीठाधीश्वर का इस समय पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं, और एक एक लोगों को जो है प्रसाद वितरित कराने के बाद अभी सीएम योगी अपने कक्ष की तरफ बढ़े हैं, और नीचे भी काफी कन्याएं हैं, उन्हें भी सीएम योगी भोजन कराएंगे, और मीडियाकर्मियों को भी सीएम योगी ने कहा कि आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो ये कहा सीएम योगी नहीं, गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं, और पीठाधीश्वर आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे बखूबी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक जो दृश्य देखा जा रहा है, ये बखूबी आप देख रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे बखूबी और यहाँ पे धर्मों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे करीब यहाँ पे 500 बच्चे आते हैं, नीचे बहुत बड़ा एक हॉल है जहाँ पे काफी सारे बच्चे बैठे हुए, उन्हें भी प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो जैसे ही नौ कन्याओं का पूजा अर्चना हो गया, आप सभी लोगों के लिए भंडारा खोल दिया गया है, जितने भी बच्चे आए हुए हैं और जो भी मीडिया कर्मी है, जो भी सुरक्षा कर्मी है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, सीएम योगी ने आदेश कर दिया है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप बने रहिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ी देर पहले कन्याओं को किस तरीके से पूजन किया गया, उसके बाद प्रसाद, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाल प्रेम उनका रहा है, बच्चों को हमेशा दुलारते रहे। चलिए खबर, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और लगातार ये तस्वीरें आप देखते रहिएगा। एक छोटे से